हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गार्डन एड्स में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो हैंगिंग प्लांट्स जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो लगते हैं हैंगिंग प्लांट्स, उनके बारे में आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है मंकी टेल प्लांट और ये बहुत ही ज़्यादा जो है सुंदर दिखता है। देखिए आप कितना प्यारा ये लग रहा है। और ये जब आप अपने गार्डन में इसको इंक्लूड करेंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। देखिए कितना प्यारा ये बास्केट में लग रहा है। तो आप इसको एज ए हैंगिंग प्लांट जो आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं, बहुत ही प्यारा ऑप्शन है ये लगाने के लिए। और आप इसको ज़रूर ऐड करें फ्रेंड्स। इसे लगाना भी बहुत ईजी है। आप इसको ऐसे यहाँ से जैसे इसको कटिंग लेके आप आराम से लगा सकती हैं। और इसकी केयर करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इसको ज़्यादा जो केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बार जब ये ग्रो कर जाता है अच्छे से तो बस इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी बहुत केयर से ही बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर लगता है ये, बहुत प्यारा ये प्लांट है। आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके ये एज ए हैंगिंग प्लांटर, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको इंक्लूड करें अपने गार्डन में, बहुत प्यारा ये ऑप्शन लगता है। देखिए बहुत प्यारा लगता है ये। तो फ्रेंड्स इसे लगाना जैसे मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आप इसको लगा लें अगर आपको मिलता है, नहीं तो ये मार्केट में आराम से अवेलेबल होता है। फ्रेंड्स सेकंड जो हमारा प्लांट है वो है एस्परगस। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है ये धूप घास की तरह होता है लेकिन थोड़ा उससे अलग वैरायटी होती है। बहुत ही प्यारा ये ऑप्शन है। इसका जो ग्रीन जो कलर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये लगभग पैरेट ग्रीन में बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। देखिए आप कितना ये सुंदर लग रहा है। तो आप इसे भी एज ए हैंगिंग प्लांट आप इसको यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही ये सुंदर लगते हैं। और जब आप इसे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा है ये है वंडरिंग जियो का प्लांट। देखिए आप ये एज ए हैंगिंग प्लांट कितना सुंदर इसका लुक बैठता है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स देखने में। और आप इसको जो है छोटी जो पॉट होते हैं आप उस पर भी लगा सकते हैं ना, छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है। देखिए इसका जो कलर है ये पर्पल में भी होते हैं फ्रेंड्स। और ये पर्पल में अब जब इसे बाहर रखते हैं तो ये पर्पल साइड में आ जाते हैं और जब आप इसको अंदर की अंदर रखते हैं तो ये ग्रीन इसका साइड होता है। और बहुत ही सुंदर ये लगते हैं। देख रहे हैं आप इसमें ग्रीन और पर्पल का जो है लुक पैट बहुत सुंदर लगता है। और ये बहुत ही प्यारा ऑप्शन है आपके लिए एज ए हैंगिंग प्लांट के लिए। अगला जो हमारा है वो है टर्टल वाइन। देखिए आप कितना सुंदर ये लगता है टर्टल वाइन प्लांट। और ये बहुत ही ज़्यादा बहुत इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी होती है। देखिए आप कितना अच्छा ये लेंथ में बढ़ रहा है, बहुत अच्छा। ये ज़्यादा मेरा पुराना अभी मैंने नहीं लगाया, ये अभी मुझे इसे लगाए हुए एक डेढ़ महीना ही हुआ है। और देखिए इसने कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ी हुई है। ये बहुत सुंदर लगता है एज ए हैंगिंग प्लांटर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। और इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत बिल्कुल रफ़ एंड टफ ये प्लांट है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्पाइडर प्लांट। देखिए कितना सुंदर लगता है, ये इसके बेबी प्लांट्स हैं। आप देख रहे हैं हम लोग स्पाइडर प्लांट्स को जो उसके बेबी प्लांट्स हैं उनसे भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। और देखिए कितना ये बहुत ही प्यारा लगता है। और जब ये आप एज ए हैंगिंग प्लांटर इसको लगाते हैं तो ये जो बेबी प्लांट है निकल के बिल्कुल ऐसे नीचे लटक जाते हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर ये लग रहा है। तो आप चाहें तो आप इसको भी अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं। और स्पाइडर प्लांट फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत ही ज़्यादा ये जो है बहुत प्यारा प्लांट है ये। और हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है और ये जो हमारा अगला प्लांट है ये है डिस्टीडिया। और ये भी बहुत ही सुंदर लगता है एज ए हैंगिंग जो प्लांट है, ये बहुत प्यारा लगता है। देखिए ये कितना सुंदर ही लग रहा है। इसको भी लगाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप इसको आराम से इसकी छोटी छोटी कटिंग लेके आप लगा सकती हैं। देखिए मैंने भी इन्हें दो पॉट में लगाए हैं और इस वाले पॉट में इसकी लेंथ देखिए इतनी सुंदर हुई है। ये बहुत ही प्यारा है एज ए हैंगिंग प्लांट, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बहुत ही अच्छा इसका जो कलर है देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जैसे आपने टर्टल वाइन की लेंथ देखी थी इसकी भी लेंथ बहुत अच्छी होती है। तो आप इसे भी अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं एज ए हैंगिंग प्लांट। ये बहुत प्यारा ऑप्शन है फ्रेंड आपके लिए और इसे ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड करें। देखिए कितना ये सुंदर लग रहा है। जो ये नेक्स्ट प्लांट है ये टर्टल वाइन का ही एक दूसरी वैरायटी है। जो मैंने आपको पहले टर्टल वाइन दिखाई है वो काफ़ी इसमें जो है लॉन्ग हो जाती है फ्रेंड्स। और ये वाली जो टर्टल वाइन है ये थोड़ा भूसी होती है,
ये बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होती है, लेकिन बहुत प्यारा ये लगता है जब ये आप एज ए हैंगिंग प्लांट इसको लगाते हैं तो पॉट को बिल्कुल कवर कर लेते हैं और धीरे धीरे जो है इसकी ग्रोथ होती है। देखें आप, इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लगता है जब इसका ये पूरा बुस्सी हो जाता है, तो बहुत ही प्यारा ये लगता है। तो एज ए हैंगिंग प्लांट आपके लिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसे लगा के एक बार आप देखिए, बहुत ही सुंदर ये लगता है। तो आप इसे भी अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकती हैं, बहुत प्यारा ये प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और देखिए कितने सुंदर फूल ये सर्दियों में खिले हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।